तो ऐसे ही चलते रहें तो सबसे पहले तो पानी की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, जो जखीरे हैं पानी के, रिजर्वायर्स, वो सब पिघल जाएंगे। फिर जब ग्लेशियर्स नहीं रहे तो बारिश पे डिपेंड करेंगे। बारिश तो जैसे ही आता है वैसे ही बह जाता है, और बह भी ऐसे जाता है कि वो नाश करता हुआ बहता है। ग्लेशियर्स एक्चुअली बैटरी है पानी के, जिसमें जब भी गिरे बर्फ वो वहीं रुक जाएगा ऊंचाइयों पर, और नीचे धीरे धीरे आएगा, डिस्चार्ज धीरे धीरे होगा, और क्लाइमेट चेंज के साथ बर्फ कम और कम पड़ता जाएगा। जो अच्छी बात है वो कम और कम होगा, बारिश ज्यादा और ज्यादा होता जाएगा। जब जरूरत होगी मिलेगा नहीं खेती करने को, जब नहीं चाहिए तब बाढ़ आ जाएगा। तो हालत सोचिए आप। फिर जब तापमान बढ़ता जाएगा तो ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर जाएगा, 45-50 जा रहा है, कहाँ जाएं? फिर लोग भागने लगेंगे। भागने का एक और कारण भी होगा, वो सिर्फ फिजिकल कंफर्ट नहीं होगा, वो तो चलो आप एसी लगा देंगे, कुछ कर देंगे, जिससे समस्या और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और 35-36 डिग्री से फोटोसिंथेसिस बंद होना शुरू हो जाता है, तो आपके क्रॉप्स फेल होंगे, खेत नहीं पकेंगे, सब्जियां नहीं बनेंगे, प्लांट्स अपना काम बंद कर देगी, फोटोसिंथेसिस जिस पे कि हम जीते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स अगर नहीं बनने लगे तो फिर कोई वजह नहीं रहेगा, इतनी गर्मी, खाने को कुछ नहीं, न पीने को पानी, तो फिर लोग उधर जाएंगे जहां अभी भी शीतल है, यूरोप, ग्लोबल नॉर्थ, और फिर जंगे होंगी, वो आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो चारों तरफ तबाही होगी, आग होगी, युद्ध होगा। देन व्हेन टेम्परेचर राइजेस फर्दर बियॉन्ड ए पॉइंट, तो नॉर्थ पोल के अराउंड जो सारा परमाफ्रॉस्ट है जो आप बोल रहे थे वो सब पिघलने लगेगा, तो वो पिघलेगा तो सदियों बल्कि करोड़ों सालों का जो मीथेन उसमें कैद है वो रिलीज होगा, तो फिर ग्रीन हाउस गैसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, तो फिर जिसे कहते हैं रन अवे क्लाइमेट चेंज, फिर कुछ रोके भी नहीं रुकेगा। मतलब एक छोटी सी धारा निकलती है अगर आपके बांध से, उसको तो रोक सकते हैं ना, जब वो बड़ी बन जाए फिर उसके बाद फिर वो एक्सपोनेंशियल स्पीड पे बढ़ने लगेगा, फिर बहुत जल्द हर तरफ से युद्ध।